हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पेट्रोल एट प्रियांशु। सो होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में चिल कर रहे होंगे। सो भाई मेरे पीछे खड़ी है मेरी सेंट्रो। सो इस गाड़ी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका फिर भी आज एक रिव्यू करते हैं, क्योंकि ये गाड़ी मेरे दिल से बहुत क्लोज रही है। अभी भी मेरी फेवरेट कार यही है, चाहे जितनी भी नई आ जाए, लेकिन वो होता है ना कि लगाओ। भाई 11 साल हो गए हैं और 11 साल से ये गाड़ी हमें यार जहाँ जाने लेके गई है, तो इससे एक अलग लगाव है और इसका आज एक रिव्यू करते हैं। तो वैसे आप तो ये नहीं मिलती, सेकंड हैंड आपको मिलेगी, लेकिन आपको एक ना विंटेज वाली लुक आएगी। ह्यूंडई आज भाई बहुत तगड़ी कंपनी है, ह्यूंडई क्रेटा वगैरह जो जितनी चलती है, लेकिन एकदम रॉ ह्यूंडई है। आज एक इसका रिव्यू दिखाता हूँ आपको, बहुत मज़ा आएगा पूरा देखना। और ये गाड़ी जिनके पास होगी उनको पता होगा कितनी मेमोरीज इस गाड़ी के साथ है उनकी। और सेंट्रो वाले बंदे भाई दबते नहीं है किसी से। सेंट्रो में अभी अगर मैं ये रिव्यू इसलिए बना रहा हूँ आपको बता देता हूँ, मे बी कि शायद सेंट्रो हमारे साथ ही कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक है, लेकिन अगर ये रहती है तो ज़रूर इसमें, मैंने पहले ही बताया, अलॉयज वगैरह सब लग जाएंगे। ठीक है, तो आगे स्टे ट्यून। तो जैसे कि आपको पता होगा, सेंट्रो अपनी जिंग 2014 में अपनी डिस्कंटिन्यू हो गई थी, मेरा 2013 का वर्जन है। तो अगर आपको कोई 13-14 मॉडल मिल जाती है, तो अभी भी 4-5 साल भाई बचे होंगे, तो आप ले सकते हो। सेकेंड हैंड मार्केट में बहुत इसकी डिमांड है। तो गाड़ी बहुत बढ़िया थी, बेटर देन मैं इसको वैगनर कह सकता हूँ, अभी वाली नहीं पहले वाली बेटर। और जो नई जो करंट जनरेशन सेंट्रो है वो बेकार है भाई, उसमें मज़ा नहीं आता। और इस गाड़ी की दीवानगी, इस गाड़ी की मैं आपको दीवानगी बताऊँ तो आज भी, जैसे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी भी एक दो बंदे आते हुए पूछ के जा रहे हैं कि भाई बेच रहे हो क्या भाई। मैं नहीं यार, अभी बेचती नहीं, वो पापा का डिसीजन है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी भी मतलब देख रहे हो आप, अभी भी जहाँ भी मैं खड़ी करता हूँ, 2-3 लोग मेरे से पूछ के जा चुके हैं भाई बेचने, मतलब बेच रहे हो क्या गाड़ी। मैं कहा नहीं, अभी ये फॉर सेल नहीं है, अभी अपनी है। और यहाँ भी देखो, साइड में भी एक सेंट्रो यहाँ खड़ी है, एक सेंट्रो यहाँ खड़ी है, तो सेंट्रो आपको बहुत दिख जाएंगी। तो इस गाड़ी की बातचीत भी अलग है। और ये सबसे मतलब इतना इसको पसंद क्यों करते हैं, तो भाई जो लोग सेंट्रो ओन करते हैं ना, उन्हें पता होगा इसको इतना पसंद क्यों करते हैं। इससे पहले मैं दो वैगनर चला चुका हूँ, दो वैगनर। एक हमारी पहली गाड़ी वैगनर थी, 2009 में ली थी, पुरानी ली थी वो, और उसके बाद एक दो साल चला के वो बेच दी। फिर से हमने ली वैगनर ही, वो एक साल में चला के बेच दी, फिर मज़ा नहीं आया। फिर मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, हमें लेनी थी स्विफ्ट, तो नई वाली स्विफ्ट आई थी उस टाइम पे, बहुत फेवरेट गाड़ी है आज भी हमारी, सेकंड जनरेशन जो स्विफ्ट है बहुत जेन्युइन लगती है। लेकिन एक उसमें प्रॉब्लम क्या आई, हम लेने उसको पहुँच गए थे और उसके जब ना मतलब प्राइस जो थे आसमान छू रहे थे, मतलब उस वे में नहीं कि हाँ इतनी महंगी थी, वो इंक्रीज होता है धीरे धीरे प्राइस, मतलब कुछ ही महीनों में इतने प्राइस बढ़ गए कि बहुत ज़्यादा। तो उसके चक्कर में हमने फिर उसको कैंसिल कर दिया, जितना हमारा मतलब बजट था उससे बाहर चली गई थी। फिर हमने बुक करा दी अपनी ह्यूंडई सेंट्रो। और कुछ गाड़ी होती है जिनमें आपको पता है, मतलब विदाउट टेस्ट ड्राइव एंड विदाउट कुछ भी, मतलब होता है ना बिना देखे गाड़ी ले ली, भाई हमने देखी तक नहीं कि सेंट्रो में हमें बैठ के देखना है या कैसी है, अंदर बैठ के देखते हैं क्या फील होगा, हम एक बार बैठे तक नहीं, हमने सीधे जाके बुक कराई, डिलीवरी ले ली, जैसे अपने स्कॉर्पियो वाले भाई होते हैं कि बिना देखे, सेफ्टी रेटिंग से कोई मतलब नहीं, गाड़ी स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो है। तो उसी चक्कर में, उसी लीक की गाड़ी है ये सेंट्रो, तो सेंट्रो वो सेंट्रो है भाई। जो लोग जिन्होंने रखी है और जो कार की नॉलेज रखते हैं, उन्हें पता होगा इस गाड़ी का दबदबा कितना है। और आज भी इस मार्केट में इसका दबदबा सब जानते हैं कार लवर्स भाई। जैसे ही अभी ना हम पार्किंग एरिया में शूट कर रहे हैं, तो राइट लेफ्ट में लोग जा रहे हैं आते जाते, हमारा दोस्त भी आ गया, हेलो भाई कैसा है। तो पापा इसको रोटी डालते हैं, जानता है ये, और गाड़ी की हॉर्न मार दूंगा तो और अच्छे से जानता है, जब ही आ जाते हैं सारे। तो लोग ना मतलब देखते हुए जाते हैं कि यार इस गाड़ी का रिव्यू, इस गाड़ी की शूट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल नई गाड़ी को तो सब करते हैं, हम पुरानी का कर रहे हैं। ये हमारी पुरानी मतलब फेवरेट गाड़ी है, और इसका सब सबको रहता है कि यार इसको भी अभी भी लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, तो वो वाली चीज़ है गाड़ी के साथ अभी भी। लेकिन जो जिनको कार की जरूरत होती है, एक अच्छी माइलेज वाली गाड़ी चाहिए, सीएनजी पे भाई कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। सीएनजी कंपनी ग्रीन इसमें लगवाई थी, मतलब इसमें कंपनी फिटेड नहीं आती थी, फैक्ट्री फिटेड और कंपनी फिटेड में डिफरेंस होता है। फैक्ट्री फिटेड होती है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आपको सीएनजी लग के मिलती है, लेकिन ये फैक्ट्री फिटेड नहीं है, डीलर ने जहाँ से ह्यूंडई की सीएनजी लगती थी, सरिता विहार नहीं रुक जाओ, ओखला फेज 2 में सर्विस सेंटर है, वहाँ पर सारा सीएनजी का काम होता है अपना ह्यूंडई का, तो वहाँ पे जाके इसकी सीएनजी लगी थी। तो फैक्ट्री फिटेड नहीं, कंपनी फिटेड सीएनजी है, ये डिफरेंस है, बहुत लोगों को पता नहीं होता, मैं बता रहा हूँ आपको, फैक्ट्री फिटेड और कंपनी फिटेड में। तो इसकी कंपनी फिटेड सीएनजी है, आज तक भाई 10 साल हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। छोटी मोटी प्रॉब्लम आई है, क्या आई है कि एक बार इसका जो सीएनजी का जो सिलेंडर है उसको एक बार फ्लश आउट करके क्लीन कराना होता है, वो तो नॉर्मल हर सीएनजी वाले का होता है।
और स्पार्क प्लग वगैरह एक दो बारी चेंज हुए हैं, एक दो बार क्लच प्लेट चेंज हुई है, टायर चेंज हुए हैं, बस इतना ही है। गाड़ी हमने जितनी चलाई है भाई बहुत चला दी और अभी तक टिल डेट कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका बस जो स्टेयरिंग है थोड़ा वो थोड़ा हार्ड रहता है लोगों को लगता है क्योंकि अपना पावर स्टेयरिंग नहीं है, हाइड्रोलिक है उसकी। बार बार उसका टाइम टू टाइम आप ऑयल चेंज कराओ तो वो भी स्मूथ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। रफ टफ गाड़ी है भाई, आपको फील आएगी पूरी कि हाँ क्या चला रहे हो, बिल्कुल एक ट्रक वाली फील तो नहीं है लेकिन हाँ हैवी कार वाली फील देती है कि लगता है भाई बंदे में दम होगा जब ये गाड़ी चला सकता है। सारे बंदे जो सेंट्रो ऑन करते हैं उन्हें पता होगा। सो आप भी कमेंट करना कि आप कौन सी स्टेट से हो और आपको सेंट्रो के बारे में कोई आपकी मेमोरी है वो शेयर करना, और सेंट्रो लवर भाई नीचे कमेंट आउट कर देना कहाँ से बात कर रहे हो, क्योंकि साउथ इंडिया में भी बहुत सारी सेंट्रो हैं। दिल्ली में भी मैं देखता रहता हूँ, दिल्ली साइड हरियाणा साइड बहुत सारी सेंटर हैं और साउथ इंडिया में बहुत सारी, सारे अपना एक बार कमेंट करके बताना। इसका ना फटाफट एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ऐसे कुछ गाड़ी लगती थी, GL प्लस ये मॉडल है, तीन मॉडल आते थे GL, GL प्लस एंड अपना GLS। तो GLS और GL प्लस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पीछे एक स्पॉइलर का है वो आपको दिखाऊंगा, और छोटा मोटा अंदर स्टीरियो वगैरह का आता था तो स्टीरियो हमने इसमें बाहर से लगवा लिया था उसी टाइम। तो वाइट ये कलर है, तो आओ इसकी देखते हैं। सबसे पहले भाई इसकी हेडलाइट, भाई बहुत यूनिक हेडलाइट लगती थी ये, अपना लो आई बीम के लिए हो गया और ये इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है, और ये फॉग लैम्प टाइप हो गए, ये छोटे छोटे यहाँ पे बल्ब लगे हुए हैं। तो ये इसकी हेडलाइट है आगे से, नीचे फॉग लैम्प का भी ऑप्शन आता था GLS में, इसमें फॉग लैम्प लेकिन हमने कभी लगवाया ही नहीं, तो ये अभी होल ऐसा लगा हुआ है, जगह दी हुई है लगवाने को, आप लगवा सकते हो। तो आगे से कुछ ऐसी इसकी लुक लगती है भाई, उस टाइम ना मतलब वैगनार से बहुत डिफरेंट लगती थी, सच बता रहा हूँ। और वैगनार की मैं बार बार क्यों बात कर रहा हूँ, वो साइड में वैगनार भी खड़ी है, क्योंकि ये वैगनार से डायरेक्ट टक्कर लेती थी। तो ये राइट साइड से देखो, ये इसके रिम है, कुछ रिम भी भाई मतलब ऐसे हैं, मैं सच बताऊं तो कि आपको अलॉय लगाने की जरूरत नहीं है, इतने बुरे नहीं लगते, काफ़ी सही लगते हैं रिम। और ये देखो इसके बैक में चले, तो बैक में इसकी टेल लाइट, टेल लाइट इसकी दोनों बार हमने चेंज करवा चुके हैं एक एक बारी, लेकिन वही है कि यार गाड़ी खड़ी है तो कोई किसी से लग गई यहाँ पे टक हो गई तो ये सारी स्मोक इसमें अंदर हो गया। और पीछे थे सेंट्रो जिंक की बैजिंग, यहाँ पे GL प्लस L उसका हट गया किसी ने, और ये वाली हेडलाइट यहाँ से टूटी हुई है। तो पीछे से कुछ ऐसी लगती थी, काफ़ी जेन्युइन शेप भाई। और इसको हम समझ लो दिल्ली से इसको पठानकोट लेके गए थे, हम 2015 की बात कर रहा हूँ, दिल्ली से पठानकोट मेरी ख्याल से 550 अप्रॉक्स किलोमीटर बढ़ता है, और भाई कोई दिक्कत नहीं हुई थी, गाड़ी ने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया था, कोई हीटिंग इशू नहीं, कोई चीज़ नहीं। इसके एसी के बारे में एक दो चीज़ें और बताऊँगा जब इसका इंजन दिखाऊँगा, तो वो जो बात है वो अपने सेंट्रो ओनर्स को पता होगी, रिलेट करते होंगे कि वाली प्रॉब्लम इसमें आती है। सो अब आ जाओ अंदर से, ये देखो भाई डोर ट्रिम देखो इसका, क्या जेन्युइन डोर ट्रिम। यहाँ से कलर जो था ये तो थोड़ा ब्लैकआउट हो गया, काफ़ी साल हो गए, यहाँ पे थोड़ा फैब्रिक दिया हुआ है, लेकिन ये पूरा डोर ट्रिम था इसका, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज पॉकेट्स, आओ गाड़ी में बैठते हैं। और भाई ये स्टेयरिंग था इसका, और राइट में ना इसके डोर की एक बात बताऊं, जैसे हमने ना अभी ब्रेजा बाय करी है, किसी को नहीं पता तो मैं लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट चेक करना, डिलीवरी ब्लॉग से लेकर रिव्यू माइलेज टेस्ट वगैरह, ब्रेजा एलेक्सी सीएनजी हमने ली है, उसमें इसमें ना आगे अपनी दोनों पावर विंडो आती थी, और ये देखो भाई स्विच देखो, यहाँ से अप यहाँ से डाउन, कितने डिफरेंट है ना। और यहाँ पे ब्रेजा से बात कर रहा था, जैसे ब्रेजा का जो डोर है ना उसमें हम ऐसे होल्ड करते हैं, इसमें होल्ड करके नीचे जगह है, ये नीचे से बंद है, तो यहाँ पे आप छोटा मोटा अपना सामान रख सकते हो। ब्रेजा का क्या है, वो ऐसे डोर पकड़ो, वो यहाँ पे पूरा होल ही दिया हुआ है, मतलब अंदर से क्लियर है, ऐसे पकड़ोगे ऐसे हाथ में आ जाएगा, तो ये जो वो है ना स्पेस, ये बहुत काम आता है आपको छोटा मोटा, आपके कुछ सामान रखना है या कुछ आपको पैसे वगैरह रखने हैं छोटे मोटे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट आता है। और इसकी पावर विंडो को बताऊँ तो शुरू से इसमें GL प्लस और GLS में दो ही पावर विंडो आती हैं, एक साल इन्होंने मॉडल निकाला था जिसमें अपनी चार पावर विंडो दी थी, तो वो सेंट्रो बहुत रेयर है भाई, वो किसी पे हो तो बताना। तो भाई इसकी की बताता हूँ मैं, ये देखो ऐसी कुछ अपनी की मिलती है, ठीक है, Hyundai की बैजिंग, यहाँ पे अनलॉक लॉक के बटन, और विद द लाइट नहीं है, ये देखो रेड कलर की लाइट है सामने जल गई। और भाई अभी ना हमने ब्रेजा लिया, उसमें भी सेम चाबी है, और उसमें तो लाइट तक नहीं है यार,
तो लाइट ये काफी अच्छी लगती है, देखो है ना। तो अब इसका आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ सारा। स्पीडोमीटर तो इसका बहुत बेसिक है, ये देखो बहुत बेसिक सा स्पीडोमीटर आता था। लेफ्ट में अपना हीटिंग इशू, ये गाने चल रहे हैं इसमें, माता के भजन चल रहे हैं। तो यहाँ पे अपना लेफ्ट में टेम्परेचर मीटर, राइट में अपना वो कितना फ्यूल है अपना, और नीचे सारी लाइट्स आती थी, चेक वगैरह ये कितनी गाड़ी चली हुई है। नीचे एक ट्रिप मीटर आता था, ये कंपनी फिट का जो CNG का वो है बटन, वो आता था स्विच करने का। राइट साइड हेडलाइट लेवलर आता था, ये इसका AC वेंट्स हो गए, AC वेंट्स भी काफ़ी सही हैं। बीच में अपना प्यारा सा क्लस्टर आता था, यहाँ पे दो स्टोरेज स्पेस, ये इसका गियर हो गया, ये अपनी हैंड ब्रेक हो गई, ये हमने बाहर से पाइनियर का लगवाया था, ये हो गए अपने AC कंट्रोल्स सारे लेवल के लिए, ठीक है। ये AC यहाँ से ऑन, ये अपना सर्कुलेशन कहाँ पे करनी है, सर्कुलेशन का ये रहा बाहर से अंदर से डिफॉगर, ठीक है। टेम्परेचर एडजस्ट करने का, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आपको अपने पैसे वगैरह रखने के लिए, ग्लव बॉक्सेस का ये रहा। तो ये काफ़ी ना मतलब अच्छी चीज़ थी। और इसके ना स्पीकर जो हैं वो आगे डोर्स में नहीं है, देख लो डोर्स ऐसे खाली हैं। इसके स्पीकर हैं यहाँ पे अपने आगे प्लेस, दोनों साइड आगे प्लेस है, एक इस साइड हो गया एक इस साइड हो गया। तो अब चलते हैं पीछे, पीछे भी काफ़ी प्यारी सी भाई इसकी स्टोरेज स्पेस मिलती है, काफ़ी बढ़िया प्यारी सी छोटू सी गाड़ी है और बहुत ही जेन्युइन चलने में, बहुत ही जेन्युइन। तो ये यहाँ पे हेलमेट पड़ा है, इसको साइड करते हैं। ऐसी कुछ स्पेस मिलती है, वो वाली सीट पूरी पीछे हुई है, ठीक है, ऐसी कुछ स्पेस मिलती है। और इसकी पीछे से डिग्गी दिखाता हूँ, ये देखो पीछे पार्शल ट्रे आती है इसमें, और ये बहुत काम आती है भाई, क्योंकि CNG वाला मॉडल जिसपे हुआ ना उसको पता है कि इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं है। तो पीछे पार्शल ट्रे पे जो सामान आएगा वो पीछे ही आएगा। यहाँ पे कंपनी से दो स्पेस मिलती थी स्पीकर की, लेकिन हमने बाहर से लगवा लिए थे, ये ट्रे में फिक्स करा लिए थे। ये इसका सिलेंडर हो गया कंपनी फिटेड, नीचे इसके शेड्स पड़े हैं, और नीचे ही इसका वो है अपना स्पेयर टायर, ठीक है, स्टेपनी इसके नीचे ही है। अब इसको आपको जो इसके इंजन वो है ना, इंजन आपका बे दिखाता हूँ आगे से, और उसमें बताता हूँ AC वगैरह की क्या प्रॉब्लम आती है इसमें। यहाँ से अपना खुल गया, भाई ये इंजन मिलता है 1006 CC का इंजन, काफ़ी सही, मतलब Hyundai का इंजन आज से बहुत सालों से चल रहा है और बहुत तगड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इंजन से रिलेटेड इसमें। ये इसमें एक ये देखो AC की बता रहा था, AC इसका ना जब बहुत साल हो गए थे तो ट्रिप मारने लग गया था। तो प्रॉब्लम इसमें क्या होती है, AC रिले लगवानी पड़ती है, जो सेंटर ओनर्स होंगे उनको पता होगा कि AC रिले के बाद कोई दिक्कत नहीं आती। तो AC रिले इसमें लगी हुई है पहले से, ये CNG का फिलिंग वॉल्व, ये सारा अपना एयर फिल्टर वगैरह। तो ये आपको छोटी सी प्यारी सी गाड़ी सेंट्रो का आज हमने रिव्यू दिखाया, होप करता हूँ अच्छा लगेगा। बहुत जो जिन लोगों ने रखी हुई है उनको पता होगा भाई इस गाड़ी की वैल्यू बहुत तगड़ी। ये आगे ट्रम्पेट हॉर्न वगैरह लगवा रखे थे हमने कंपनी विटेड के साथ ही। सो गाड़ी बहुत बढ़िया है, होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और कोई क्वेश्चन हो भाई सेंट्रो से रिलेटेड बताना, किसी को लेनी हो तो भी मैसेज कर सकता है, अगर हुई डील बनती है तो ज़रूर बात करते हैं। सो गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और कोई अपनी पुरानी किसी गाड़ी का रिव्यू चाहिए तो वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि पुरानी गाड़ी भाई सबकी दिल में बसी हुई है, सेंट्रो में ऐसी और भी बहुत गाड़ी है, तो जो पसंद हो उसका मुझे बताना, उसका रिव्यू करते हैं। सो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय माता दी।